मैं पूनम मिश्रा इन मुंबई से मॉडल हूँ। देन सीके फैशन वर्क कॉम्पिटिशन में मैंने इससे लिया था। देन इसके पीछे चांदी परमार जी ने मुझे इनवाइटेड किया, इसलिए मैं राजकोट आई। मुझे राजकोट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। क्या आप राजकोट गुजरात में पहली बार आई हैं? जी। मॉडलिंग कितना टाइम हुआ स्टार्ट किया आपको? मुझे मॉडलिंग को 2 साल हो गया है, और मतलब 2 साल हो गया है। देन एल्बम, कैटलॉग, ड्रेसेस, वोकल एल्बम, ये सब किया। अच्छा, यूपी से मुंबई कैसे आ गए? यूपी से मुंबई मैं एक शूटिंग के दौरान आई थी। किसी ने मुझे इनवाइटेड किया था, मैंने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया था मॉडलिंग के लिए। मैंने फॉर्म सबमिट किया, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया, तो मैंने मुंबई में शूटिंग किया, इसलिए मैं मुंबई आई। और फिर मुझे लगा कि मैं मुंबई ही रहना चाहती हूँ। आप शॉर्ट फिल्म में या बॉलीवुड फिल्म में या तो कोई और भाषा की फिल्म में करना चाहेंगे? अभी अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं करूँगी। जी, आप खास तरह से कोई खास ऐसी है कि क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी, कौन सी टाइप की फिल्मों में काम करना? मेरे को ज्यादातर एक सीरियस मैटर या क्राइम और या कॉमेडी, तीनों पसंद है। मुंबई और यूपी का ये जो स्ट्रगलिंग सफर रहा? मुंबई और यूपी का जो ट्रेवल था मेरा बहुत टफ था, बट मैं आ गई, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपको इन फ्यूचर कौन सी खास करके शॉर्ट फिल्मों में या एल्बम सॉन्ग में कौन से में इंटरेस्ट ज्यादा रहा? इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि एल्बम ऐसा होना चाहिए कि डांस का हो या फिर एक कॉमेडी का हो। आपको गुजरात कैसा लगा? मुझे गुजरात बहुत अच्छा लगा। देन फर्स्ट टाइम थे गुजरात में, राजकोट, नाइस सिटी। और गुजराती लोगों से कभी मिली नहीं हूँ, जस्ट मिलने वाले हूँ। जी, तो आप गुजरात में और कोई जगह देखी आपने? मैंने जस्ट कल ही मैं राजकोट आई हूँ, मैंने राजकोट में बस यही जगह देखी है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ तो गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब है गुजरात में बहुत कुछ देखने? गुजरात में बहुत कुछ चीजें हैं देखने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे मंदिर हैं। जी। देन बहुत अच्छा सिटी है। बस मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे रिटर्न मुंबई निकलना, मेरा फ्लाइट है। जी जी। अभी तो ये थे पूनम मिश्रा की, जिन्होंने अपने स्ट्रगल की शुरुआत यूपी से लेके मुंबई तक एक लंबा सफर तय किया, और उस लंबे सफर के साथ अपने पैर मुंबई में मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे जमाए कि आने वाला फ्यूचर उनका बहुत ही बखूबी निभाएंगे और आगे करियर में प्रगति करेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। आज सौरभ कंटीना मेहमान बनना छे अंकिता परमार, जे वो एक्ट्रेस छे, मॉडलिंग करे छे, फैशन शो करे छे। आपनो स्वागत छे सौरभ कंटीना। अंकिता जी, आप हमें बताओ कि आप कितना समय थी आए एक्टिंग और मॉडलिंग करो छो? हूं छेला 3 વર્ષ થી એક્ટિંગ ને મોડેલિંગ કરી રહી છું। બરાબર। अच्छा, आप मॉडलिंग फैशन शो खरीदा छे, तो અહીંયા રાજકોટ કેવી રીતે આવવાનું થયું આપણે? એટલે હું હતી અમદાવાદ શૂટિંગ માં, અને ચાંદની પરમારે મને કોલ કરેલો, જો ગેસ્ટ તરીકે ઇન્વિટેશન આપેલું, એટલે હું આવી હતી। જી, આપ રાજકોટ ખાતે ના બિડલ કરીને ચાંદની પરમારે કરેલા કોમ્પિટિશન માં આવ્યા હતા। મુંબઈ માં અત્યારે હાલ આપ રહો છો, तो फैशन शो और मॉडलिंग करता हूँ। हाँ सर। जी, आप शॉर्ट फिल्मों के सॉन्ग एल्बम ये ऊपर कहीं? हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, आपने कितनी हम शॉर्ट फिल्मों के करी है? मैं 13 दे करी छे। जी जी। आपने अच्छा, आपने मूवी में पण પોતાનો અજમાવવાની ઈચ્છા છે એઝ અ હિરોઈન, તો આપને કોઈ એવી ઓફર અત્યારે હાલ ઉપર છે અથવા આપ કરવા માંગો છો તમને જણાવજો। યસ, ઓફર હશે તો હું ચોક્કસથી કરીશ, પણ અત્યારે તો મારું શૂટિંગ જે ચાલી રહ્યું છે એમાં પણ મારો ડોક્ટરનો રોલ છે। જી, યસ। આપ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ આગળ વધવા માંગશો કે બોલિવૂડમાં પણ આપની ઈચ્છા હશે? મારી બોલિવૂડમાં વધારે છે ઈચ્છા। જી, અચ્છા, આપ મુંબઈમાં કેવું સ્ટ્રગલિંગ રહે છે? મુંબઈમાં થોડું ટફ છે, પણ કહેવાય ને કે કંઈક પહોંચવા માટે કંઈક સંઘર્ષ તો કરવો પડતો હોય છે, કોઈ ને કંઈક સંઘર્ષ કરવો પડે છે કંઈક પામવા માટે, એ 100% ની વાત છે। આપ ત્યાં ફેશન શોમાં પણ પાર્ટ લ્યો છો ને? હા જી જી।
ઘણા બધા ફેશન શો મોડલિંગ અને એક્ટ્રેસ તરીકે નામાંકિત એવા અંકિતા પરમાર કે જેમણે અલગ અલગ કિરદારો નિભાવી શોર્ટ ફિલ્મો આલ્બમ આમાં પોતાના કલાના કામણ ફેરવ્યા છે. આપ સૌ મિત્રોને મારે એ પણ કહેવાનું છે કે આપ જે પણ કલાકારોને અહીંથી સૌરાષ્ટ્ર ક્રાંતિના માધ્યમથી જોવા માંગતા હો તેમજ જે કલાકારોથી રૂબરૂ થવા માંગતા હો એમના જીવન કવન વિશે જાણવા માંગતા હો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, એમનું નામ લખીને મોકલજો, અમે એ કલાકારોને અહીં આપ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરીશું. એ જ રીતે સૌરાષ્ટ્ર ક્રાંતિની યુટ્યુબ ચેનલને જોતા રહેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો અને શેર કરજો, સાથે સાથે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં. આભાર. આ હતા અંકિતાબેન પરમાર, જે આપણી વચ્ચે સૌરાષ્ટ્ર ક્રાંતિના આંગણે પોતાના મોડલિંગ ફેશન શો અને એક્ટ્રેસની વાતો કરી. થેન્ક યુ. આભાર.